तो जी अस्सलाम वालेकुम, हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। तो जी आज मैं आपको देने वाली हूँ मिस रोज़ के पर प्राइमर का रिव्यू, जो ये क्लेम करते हैं कि जीरो पोर से, क्या ये सच बात है। वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा क्योंकि वीडियो में आपको ये सब बातें आज मैं बताने वाली हूँ। तो जी अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। तो जी ये क्लेम करते हैं कि हमारी स्किन की जो पोर्स होते हैं उनको फिल करता है, और हम जो अपने फेस पर अप्लाई करते हैं फाउंडेशन बेस वगैरह, उसको अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अगर आपके फेस पर एक्ने हैं, बम्प्स हैं, तो हम लोग जो हैं अपना फाउंडेशन बेस सही से अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो ये प्राइमर हमारे फेस पे अच्छे से लगने के बाद जो है हमारे फेस पे बहुत ज़्यादा स्मूथनेस दे देता है, जिसकी वजह से हम अपना फाउंडेशन और बेस को ठीक से अप्लाई कर पाते हैं। तो जी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी कि क्या ये बात सच है या नहीं। देन तो जी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग की। तो पैकेजिंग कुछ इस तरह की है कि ये कार्डबोर्ड का बना हुआ, बिल्कुल लाइट से ग्रे कलर में इसके ऊपर लिखा हुआ है मिस रोज एंड जीरो पोर्स लिखा हुआ है, सिल्की स्मूथ लिखा हुआ है। देन आप इसकी पैकेजिंग देख सकते हैं, बैक साइड पर इसके इन्ग्रीडियंट लिखे हुए हैं, कुछ इस टाइप से एक्सपायर लिखी हुई है। आप अपनी एक्सपायरी हमेशा जब भी परचेज़ करें तो आप हमेशा एक्सपायरी वगैरह देख कर लिया करें। और ये देख सकते हैं आप लोग कि इस तरीके से इसमें ग्रे कलर से लिखा हुआ है, इसके ऊपर मिस रोज़ की ब्रांडिंग दी हुई है। देन अब हम बात करेंगे इसके प्राइस के बारे में। तो प्राइस मैंने इसको लोकल मार्केट से परचेज़ किया है, मुझे ये 680 रुपये का पड़ा था। आप लोग इसको दराज वगैरह से भी परचेज़ कर सकते हैं, वहाँ से बाय कर सकते हैं, वहाँ पे भी मुख्तलिफ प्राइस में ये सेल हो रहा है, आप वहाँ से ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। देन ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन, ड्राई स्किन, सब स्किन वाले इसको जो है ऑल स्किन टाइप्स वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसको यूज़ करने में, क्योंकि ये जो है ऑयल फ्री है। हमारे स्किन पे फाउंडेशन जब हम लगाते हैं, इसको यूज़ करते हैं, तो बहुत इजीली हमारे फेस पे फाउंडेशन बेस अप्लाई कर देता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मूथनेस हमारी फेस पे दे देता है ये लगने के बाद। जब आप इसको अपने हैंड पर लेंगे तो मैं आपको भी अपने हैंड पर लेके दिखाऊंगी भी कि किस टाइप का है ये। जब आप इसको अपने हैंड पर लेंगे तो बहुत ज़्यादा स्मूथनेस और बहुत ज़्यादा आपको अपनी स्किन बहुत ज़्यादा प्यारी और बहुत ज़्यादा स्मूथ लगने लगेगी। हाँ जी, तो हमें इसके अंदर मिलती है 30 ml की बॉटल, जो 6 मंथ तक हम ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, बात की जाए इसकी इनर पैकेजिंग की, तो इनर पैकेजिंग काफ़ी कमाल की है, बहुत अट्रैक्टिव है, ब्लैक कलर से मिस रोज़ लिखा हुआ है, और बेसिकली ये एक पम्प प्राइमर है। इसकी पैकेजिंग वाले जो प्राइमर होते हैं वो काफ़ी अच्छे रहते हैं, क्योंकि हम उसको कम्प्लीटली यूज़ कर पाते हैं। जो बॉटल प्राइमर्स होते हैं, बॉटल पैकेजिंग में आते हैं, वो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अलग ही आ जाते हैं अंदर, और ये कम्प्लीटली यूज़ कर सकते हैं हम। इस टाइप की जो पैकेजिंग में आते हैं बॉटल्स वगैरह, वो इस टाइप की जो होती हैं, हम इनको कम्प्लीटली यूज़ कर पाते हैं। तो ऑनेस्टली मुझे इसके प्राइमर का जो पम्प है, इस प्राइमर का जो पम्प मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसको कम्प्लीटली यूज़ तो कर सकती हूँ मैं। देन बाकी इसके पोर्स को फिल करने की बात करें, तो जी हमारे पोर्स को फिल करता है, और 1-2 hours हमारे फेस पे स्वेटिंग नहीं होती है, लेकिन फिर 2-3 hours जब हमारे फेस पे लगा रहता है तो स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन 1-2 hours हमारे फेस पे लगा रहता है, स्वेटिंग नहीं होती है, लेकिन हमारे फेस पे स्मूथनेस काफ़ी टाइम तक रहती है, लेकिन स्वेटनेस जो है हमारे फेस पे 2 hours के बाद आने लग जाती है। अगर कोई 1-2 hours का भी आपका फंक्शन है तो वो आप इजीली अटेंड कर सकते हैं बिना स्वेटिंग, क्योंकि हमारे फेस पर जब स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, तो हमारा बेस ख़राब होने लग जाता है, तो आप 1-2 hours से इजीली इसको लगा के रह सकते हैं। स्मूथनेस की बात करें तो जी बिल्कुल स्मूथनेस काफ़ी अच्छी है, और प्राइस की बात, प्राइस के लिहाज से भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि रीज़नेबल प्राइस है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। और बाकी मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप ये वाला प्राइमर ज़रूर यूज़ करें, इसको ज़रूर बाय करें और इसको यूज़ करें, क्योंकि काफ़ी अच्छा प्राइमर है पैकेजिंग के लिहाज से भी और स्मूथनेस के इससे भी, और 1-2 hours हमारे फेस पे स्टे करता है, हमारे फेस पे स्वेटिंग नहीं होने देता, और बाकी हर लिहाज से अच्छा। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ये वाला प्राइमर ज़रूर लें। और अब मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ कि इसका टेक्सचर किस टाइप का है। तो जी कुछ टेक्सचर इसका इस टाइप का है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा है बिल्कुल, और लगे तो पता नहीं चलता है कि हमारे फेस पे कुछ भी अप्लाई हुआ है। तो ये देख सकते हैं आप लोग मेरे हैंड पर, मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा स्मूथ सा है, बहुत अच्छा लगता है जब आप उसको अप्लाई करते हैं अपने फेस पर, बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल होने का एहसास दिलाता है ये जब लगने के बाद। सीरियसली यार बहुत अच्छा है, बाय करें इसको, यूज़ करें।
रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, हाईली रिकमेंडेड कि आप ये वाला प्राइमर ज़रूर यूज़ करें। देन आई होप आप लोग को मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने आज आपको मिस डोज पर प्राइमर का रिव्यू, कंप्लीट रिव्यू दिया है। और मेरे चैनल पे अगर आप लोग न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को हिट कर दिया करें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बनाती हूँ और आप लोग के लिए वीडियो लेकर आती हूँ, नई से नई चीज़ें लेकर आने की कोशिश करती हूँ। और आप लोग जिस टाइप की मेरे चैनल पर वीडियोज़ देखना चाहते हैं मुझे कॉमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस बारे में डालूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।